नमस्कार, सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सचिंद्र सिंह, जिला पूर्वी चंपारण के विधायक का हुआ सिलवासा दौरा, जिसमें सिलवासा के तमाम उत्तर भारतीय लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। पेश है रिपोर्ट। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, श्री रामचंद्र भगवान की परम बाबा की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का पुरातन धर्म का भारत माता की भारत मा की रक्षा करने वालों की नमः पार्वती माता हर 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 महामंगलमया दत्त गृहर परमेश्वर गृहर परमेश्वरी मनुष्य रूप मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। जिस तरह से आज यहाँ पर दादरा नगर हवेली में तमाम लोगों द्वारा आपको यहाँ स्वागत किया गया, किस तरह के कार्यकाल के दौरान इस जगह पर आपका आगमन हुआ और क्या ये पूरी कार्यक्रम रही? नहीं, हम लोग अभी बम्बई का जो चुनाव हो रहा है महाराष्ट्र का, उस चुनाव में बिहार के तरफ से प्रतिनिधि बन के आए थे यहाँ अपने हिंदी भाषियों के लिए, उत्तर भारतीयों के को ये बताने के लिए कि इस राज्य में भी जैसे आपने पिछले बार आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार बनाई थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी, पुनः मजबूती के साथ एक बार सरकार बनाइए ताकि इस प्रदेश का विकास हो, जिस तरह से देश का विकास हो रहा है। आज चुनाव प्रचार वहां खत्म हो गया है, आज लास्ट दिन था, उसके बाद हम अपने भाइयों से मिलने के लिए, अपने समाज परिवार के बीच के लोगों से मिलने के लिए इस दादर नगर हवेली के सिलवासा में आज यहाँ उपस्थित हैं अपने भाइयों और अपने गार्जियन के साथ। और यहाँ आने पर जो हमारे भाई हैं उनकी जो कुछ व्यथा है पीड़ा है, उस संदर्भ में अभी हम लोगों ने मिलजुल के बातें की हैं, उन बातों को पार्टी तक पहुंचाने का और सरकार को बताने का, सरकार तक पहुंचाने का इन लोगों ने आग्रह किया है। मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं अपने माध्यम से अपने फोरम से और अपने बल पर इन बातों को सरकार तक पहुंचाऊं, पार्टी तक पहुंचाऊं, ताकि यहां के लोगों को जो सरकार से अपेक्षाएं हैं उसकी पूर्ति का रास्ता सुगम हो और पार्टी से जो ये लोग चाहते हैं पार्टी में भी इन्हें उचित अवसर प्राप्त हो। एक दिवसीय दौरे के दौरान जिस तरह से उत्तर भारत के तमाम लोग जिस तरह से मिलजुल कर यहाँ पर साथ नजर आ रहे हैं, तमाम चीजों की शिकायतें भी आपसे कही और साथ में कई चीजों की पहल भी आपसे करने की शुरुआत करने की आवेदन भी किए हैं, किस तरह का दौर रूट रहेगा जो आने वाले दिनों में यहाँ के लोगों को यहाँ से मिले? सब हमारे परिवार के लोग हैं और मैं निश्चित रूप से कोशिश करूंगा कि मेरे परिवार के लोगों को जो कष्ट है इस कष्ट के निराकरण में मेरा जितना सहयोग हो सके अधिक से अधिक सहयोग इनको कर पाऊं, चाहे वो सहयोग सरकार के स्तर से हो या वो पार्टी के स्तर हो के स्तर से हो, समाज के स्तर से हो, मैं प्रयास करूंगा कि उसके समाधान। जी, आज यहाँ पर तमाम लोगों को जिस तरह से आपने एकजुट करके जिस तरह से यहाँ पर स्वागत विधि का कार्यक्रम रखा और तमाम लोगों का सम्मेलन भी इस दौरान यहाँ पर हो गया है, क्या कहना चाहेंगे किस तरह का आने वाले दिनों में यहाँ से उत्तर भारतीय समाज द्वारा होगा? पहले तो हम बताना चाहेंगे कि आज तकरीबन 10 से 12 साल से जब कभी गुजरात प्रांत का विधानसभा का चुनाव होता है
जब कभी महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव होता है तो हमारे बिहार उत्तर प्रदेश से उत्तर भारतीय मतदाताओं के बीच में जाने के लिए वहां से हमारे बहुत सारे जनप्रतिनिधि आते हैं जी। और हमारे उत्तर भारतीय लोग जो यहां पर हैं, हमारा एक संकल्प होता है कि हम उनको अपने बीच लेके आएं और उनको एक अनुभूति दें कि हम भी आपके साथ हैं और आप ये मत समझिए कि आप महाराष्ट्र या गुजरात में आए हैं, ये भी आपकी धरती है और हम आपके बीच में हैं। तो ये पहल हम लोग बहुत दिन से कर रहे हैं। इस पहल में डॉक्टर सीपी ठाकुर, डॉक्टर महेंद्र पांडे जी, डॉक्टर चंद्रमोहन राय, बहुत सारे नेता आए हैं। इवन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी जब आए थे तो हम लोग गए थे उनको रिसीव करने के लिए। और सबसे बड़ी दूसरी बात यह होती है कि इनके माध्यम से हम अपनी बातें भी इनके साथ रखते हैं कि हमारी यहाँ तकलीफें क्या है, और इन सब चीज़ों के लिए एक फोरम, एक जगह, एक व्यवस्था और एक संस्थान की जरूरत होती है। ये जो ब्रह्मर्षि समाज आप देख रहे हैं इसी का एक प्रथम कड़ी सोच लीजिए। और आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस सोच से इस धरती का निर्माण किया गया, इस जगह का निर्माण किया गया, ये इस क्रम में अब ये अपना फल दे रहा है और ये एक अच्छा फोरम है हमें अपने तमाम भाइयों का यहाँ स्वागत करने का, उनको अपना बनाने का और साथ साथ अपनी बातें रखने का। धन्यवाद।